दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार न्यूजीलैंड ने कदम रख दिया। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बना ली और इसी के साथ न्यूजीलैंड ने वो बदला भी ले लिया इंग्लैंड से जो 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा के लिया था। आपको 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल तो याद ही होगा जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने थी और वो मैच टाई हुआ था। इंग्लैंड ने 241 बनाए थे और साथ ही न्यूजीलैंड ने भी 241 बनाए थे, लेकिन जिसके बाद सुपर ओवर किया गया और सुपर ओवर में भी दोनों का मैच टाई रहा, यानी 15 रन सुपर ओवर में दोनों ने बनाए, लेकिन बाउंड्री ज्यादा होने की वजह से, मैच में बाउंड्री ज्यादा होने की वजह से इंग्लैंड को 2019 का वर्ल्ड कप विजेता घोषित कर दिया गया था और न्यूजीलैंड की टीम का इस हार से दिल टूट गया था। साथ ही न्यूजीलैंड के जो क्रिकेट फैंस थे वो भी काफी निराश हो गए थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में, इस T20 2021 वर्ल्ड कप में, एक तो न्यूजीलैंड ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई है, यानी न्यूजीलैंड की टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची और साथ ही न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराकर 2019 के वर्ल्ड कप का फाइनल का बदला भी पूरा कर लिया। अब आपको बता दें कि इस मैच में क्या क्या रहा, क्या क्या मैच में क्या क्या टर्निंग पॉइंट रहा और कैसे न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 4 विकेट के नुकसान से 166 रन बनाए थे। यहां पर मोइन अली ने अर्धशतक लगाकर टीम को 166 तक पहुंचाया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने होती, लेकिन 13 रन के अंदर ही न्यूजीलैंड के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। मार्टिन गप्टिल आउट हो चुके थे, साथ में केन विलियमसन भी पवेलियन लौट चुके थे, तो ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम काफी मुश्किल में दिख रही थी। लेकिन ऐसे मौके पर डेरन मिचेल और कॉनवे ने इस साझेदारी को बढ़ाया, एक साझेदारी कायम की और टीम का स्कोर 100 तक लेके गया, जिसके बाद कॉनवे के आउट होने के बाद लग रहा था कि इंग्लैंड की वापसी हो रही है और जब फिलिप्स आउट हुए तो पूरा लगने लगा कि अब तो इंग्लैंड पूरी तरह से मैच पर पकड़ बना चुका है। लेकिन फिर मैदान पर उतरे जिमी निशम ने 11 बॉलों में 27 रन की धुआंधार पारी खेलकर मैच का पूरा पाला पलट दिया। हालांकि जिमी निशम जब बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त 2 ऐसी चीजें देखने को मिली जो मैच को काफी रोमांचक बना दिया। जिसने क्रिस जॉर्डन बॉलिंग कर रहे थे उसी दौरान जिमी निशम ने एक सिक्स लगाने की कोशिश की और बाउंड्री पे बेस्टो ने हवा में उड़कर कैच करने की कोशिश की और उसके बाद जिमी निशम और डेरन मिचेल रन ले रहे थे, उसी दौरान रन आउट भी हुए जिमी निशम। लेकिन जब थर्ड एम्पायर के बाद फैसला गया तो एम्पायर ने बाउंड्री लाइन पर देखा कि बेस्टो बाउंड्री लाइन को छू चुके थे, तो ऐसे में रन आउट तो दूर की बात, जिमी निशम को 6 रन भी मिले और साथ में न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर भी बढ़ता चला गया। तो ऐसे में जिमी निशम की जो पारी रही, जो टर्निंग पॉइंट रहा इस मैच का, न्यूजीलैंड की वापसी का इस मैच के अंदर, वो जिमी निशम की धुआंधार 11 बॉलों में 27 रन की पारी खेली। उसके बाद जो काम था वो डेरन मिचेल ने कर दिया। डेरन मिचेल शुरुआत से ही अच्छी बैटिंग कर रहे थे और 72 रन बनाकर टीम को शानदार जीत दिलाई, यानी 20वें ओवर तक भी ये मैच नहीं गया और डेरन मिचेल ने 19वें ओवर में ही 2 छक्कों के साथ न्यूजीलैंड को शानदार तरीके से जीत दिला दी। तो इसी के साथ इंग्लैंड अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और न्यूजीलैंड पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इंग्लैंड लगातार 4 मैच जीत के और टॉप की टीम रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन कहते हैं ना, सेमीफाइनल में जो अच्छा खेलता है वही फाइनल में जगह बनाता है। तो ऐसे में न्यूजीलैंड ने शानदार खेल दिखाया और न्यूजीलैंड अब फाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले सेमीफाइनल में जो टीम जीतेगी उससे 14 नवंबर को न्यूजीलैंड का फाइनल में मुकाबला होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं कि क्या न्यूजीलैंड पहली बार इस वर्ल्ड कप को जीत पाती है, T20 वर्ल्ड कप पहली बार जीत पाती है, या फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर भी न्यूजीलैंड का दिल टूट जाएगा जैसा 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में टूटा था।